अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज जनाब है ईद का दिन, कुर्बानी के लिए सब तैयार हैं। उससे पहले ईद नमाज के लिए सब जाने लगे हैं, तैयार श्यार हो रहे हैं, कपड़े वगैरह जो है वो चेंज करते हैं और ईद नमाज पढ़ेंगे। ईद नमाज पढ़ने के बाद जो है ना अपनी अपनी कुर्बानी करेंगे। तो चलें, छोटे छोटे जो क्लिप्स हैं वो आप लोग के साथ मैं शेयर करती रहूँगी। चल मैम, तेरा आखिरी दिन है। थोड़ी देर तक ये जुबा हो जाएंगे बेचारे। हेलो, चलो मैं कुर्बान ली, योर टाइम इज ओवर। पापा ईद मुबारक, 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 ईद मुबारक। क्या हाल है जी? कपड़े चेंज कर रहे हैं, शो खत्म। ओके, ईद मुबारक। तैयारी थोड़ी हो चुकी है। चलो जी, कपड़े चेंज होने लगे हैं और कसाई बनने का टाइम आ गया। चलो तुम भी अपनी असली हालत में आओ। असली हालत नहीं है वो, देखो देखे पापा सही कसाई मोड में आए। थोड़ी देर बाद कसाई की बाजू भी कसाई निकल आए, अदान भी गए अंदर। तुम भी जाओ, जल्दी जाओ, जल्दी कह रहे ईद मिल लो आधे कपड़े। हेलो, सही वाला कसाई मोड में आना है। मम्मी डैडी कसाई नहीं बनना, जैसे पापा बने हैं ना वैसे बन के आए। पन्ना बांध सिर से, पन्ना पन्ना वो बांध के वो लाओ टूटा। हां, वो आज ला गए तुम से कसाई वाला बता दो। आप भी अपने कसाई मोड में आ चले जी, कसाई भी आ गए। और ये अभी यहाँ पे मेरे साहबजादे दोनों आराम फरमा रहे हैं। चले जी, बकरा हमारा अंदर आ रहा है। सबसे पहले वो जो है गाय को जिबा करेंगे। ये हमारा शहजादा, हमारे मासूम से है, मासूम से कुछ भी नहीं कहता, ये इनोसेंट सा। इसको अंदर ले आए हैं फिलहाल, वो बाहर है। हाँ, मैं कह रही हूँ पापा सही कसाई, तुम लोग तो मम्मी डैडी के सही हो, पापा को चेक करो जरा। पापा की शर्ट पहन के आ गया जो कि रात छोटी हो गई है। दानिश, दानिश चल गा दिया। चलो, ये वाला एरिया कवर कर दिया क्योंकि उस साइड पे जानवर है और यहाँ पे इसकी कुर्बानी होगी सबसे पहले। बाकी जो जानवर है ना वो देखिए, वो इस साइड पे है सारा। एक जानवर के सामने दूसरा जानवर कुर्बान नहीं करना चाहिए। धूम भी इकट्ठा हो गया। चलो भैया, हम अंदर चलते हैं। बस गोटू, गोटू कम हेयर, कम हेयर, कम हेयर, वी विल मिस यू। जिदके भूखे, इसको भूखे लगी है, भूखे मोटू मोटू गाय के नहीं खाए जाते, उनसे डर डर लगता है ना, मारते भी हैं। इनकी भी किसी किसी की बात होती है, ये बहुत अच्छे। ये तो मशूम शो घोटू है, आम खाता है, इतने ऊपर पानी ही है, सुबह खजूर खाता है, आम खाता है, जो मर्जी खिला, पिज्जा खा लिया था, सुता दे। हो गया, हो गया, बाहर हो गया। और वो हंजला भी खड़ा देख रहा है, इसको भेज दो, छोड़ है। अस्सलाम वालेकुम, शहजादा उठ गया। नहीं इधर आए, भाई किचन में तो देखे मम्मा ये रोटी खा रहा है, इसको रोटी दे दो। चलो अब इसको भी भाई लेके जा रहे हैं। देखिए आए हो आप,
देखिए उसके अंदर इतना बड़ा खून भी है। किसका? गोट का, गांव का। काओ का ब्लड भी आ रहा था। फिर वो देखो इसको भी लेके जाने लगे हैं ना। इसकी बारी आ गई। पहले फोन वगैरह तो साफ कर ले। इतना दिल को कुछ हो रहा है। ये नहीं ना पता हम जा कहाँ रहे हैं। ये सही बात है। ये रोने का मुझे दे दो। कोई चढ़ के कोई चढ़ के जाऊंगा के हाय अल्लाह कैसे रो। मैंने कहा ना वही चढ़ के अब खाएंगे क्या। अभी चले फिर हम गोश्त करेंगे ना। जाएं जाएं आप लोग जाएं। छुट्टी तो फेड़े बच्चे जो मतलब बोला है कितने मुझे खुद को रोना आ रहा है। आप आ जाओ। चलो ये अभी तो शिवा नहीं हुआ अंदर आ गए बच्चे। पापा जी जाएं बुला रहे हैं। कैसे रो रहा है। इधर आओ। क्या हुआ है? अरे चलते जाऊं। चलो बस चुप। ये देखो भाई बकरो क्यों रो रहे हो। वो फिर अल्लाह पास चला जाता है ना जन्नत में। कितने मजे का घास होता है। कितना मजे का घास होता है। सुबह के ले लेकर रो रहा है। नहीं भाई नहीं मेरा बेटा बहादुर है। अभी हम दोपहर देख रहे इतनी प्यारी प्यारी उसकी गोश्त बनाएंगे मजे मजे से खाएंगे। हम जब छोटे थे ना हमारे भी एक्सप्रेस हम तो पालते थे जान। इसको भी ले। मेरी एक बात बतानी है। आपको मैं दिखाना है कि एनिमल कहाँ गए हैं। जब वो जिबा हो जाते हैं ना फिर वो कहाँ जाते हैं ये बताना। कहाँ जाते हैं? जन्नत में चले जाते हैं। फिर आप क्यों रो रहे हैं? जन्नत तो इतनी खूबसूरत जगह है। चलो भी एक कुर्बानी यहाँ हो रही है एक वहाँ हो रही है। उधर कुर्बानी हो रही है और ये देखो ये कुर्बानी से बच के यहाँ बैठा हुआ ताकि इसको कोई काम ना करना पड़े। नहीं नहीं यहाँ से कह रहे आखिरी काम है स्टैंड वाला पंखा उतारना। ओजरी और ये सारे मुंह पे गिरा रहे हो। हंसला मैं कहती हूँ अलमीर का मूड सही हो गया इसको नहीं सबर आया। आ जाओ ना मैं बाहर आपको दिखाऊं। नहीं। हाँ? नहीं। क्यों क्यों नहीं मुझे नहीं देखना। ये देखो गोट जिंदा है। ये देखो गोट जिंदा हमारी यादों में जिंदा है। ये देखो तस्वीर भी है हमारे हमारे दिल में। देखो ब्रेव बनते हैं ब्रेव अच्छे बच्चे जो नहीं डर रहे कोई है ना। आ जाओ चलो 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 देखो जिसकी बोटी बोटी होने लगी है। नाश्ता वहाँ पे कम्प्लीट हो गया। ये कलेजी है। मेरा बकरे ने किसी को दिल दे दिया। ये है कलेजी कट गई और ये है गुर्दे किडनी। एक ये कट गई दूसरी ये किडनी। दिल है तो सही। कहाँ है दिल? दिल दिखाएं। अंदर से दिखाना निकालो इसका दिल का। चलो भी निकाल के दिखा। ये इसके फेफड़े हैं ना। ये फेफड़े हैं लंग्स। देखो ये हैं जी लंग्स फेफड़े बकरे के।
कलेजी फेफड़े नहीं नहीं ये क्या वो कहाँ गया ये थी किडनी इसका दिल रह गया दिल कहाँ लगा हुआ होता है दिखाई ये है जी बकरे का दिल बहुत अच्छा दिल था इस बकरे का मासूम सा इनोसेंट सा इंसान का दिल भी ऐसा ही होता है ना पापा जी सेम टू सेम पापा ने दिल तोड़ दिया बकरे का दिल चीर दिया बकरे का दिल चीर के देखा मेरा ना वो लड़की आगे से कहते हैं यहाँ पे काटा कटाई हो रही है यहाँ पे धुलाई हो रही है यहाँ पे दीदी पकाई हो रही है और बस अभी कबाब और कलेजी बन रहे हैं तो बस फिर वो रखेंगे हमारे प्रोफेशनल किसाई जो हैं वो यहाँ पे तैयारियों में है बच्चा पार्टी जो है वो यहाँ पे बिजी है इंक्लूडिंग हफ्सा चले जी कलेजी और कबाब तैयार हो चुके हैं अभी इनको पकाएंगे बाकी चीज़ें अभी बनेंगी इसमें टाइम लगेगा फिलहाल ये बनेगा और यहाँ पे ये काऊ के भी कलेजी आ गई है कबाब इसके भी बनेंगे ये देखो इन्होंने कसाईयों ने बड़ी बड़ी बोटियाँ की हैं अब इसकी जो बोटियाँ ना वो छोटी कर रहे हैं क्या कह रहे हैं ये पापा बैठे होते हैं ना उससे छोटी करवा देते हैं पास बैठे हो ना तो उनको फिर गाइड कर देते हैं लेकिन यहाँ पे बकरे की काटा कटाई हो रही है वहाँ पे काऊ की हो रही है उधर का भी थोड़ा सा दिखा ये चल आज पहली दफा पापा ने कुर्बानी का जानवर जिबा किया पापा की डर लगा था कुछ हुआ है कुछ भी नहीं आज पहला तेरा बकरा जो पापा ने किया अपने बकरे पापा ने आज तक अपने नहीं किए अल्लाह ताला कबूल करे कुर्बान ये देखो जरा ये पक्के से कटती है ये हर चीज से बचता फिर रहा है ये पकड़ ले वापस ये वो लड़के मर्द है हमारे घर का जो हर काम से बचता फिर रहा है बाहर से वो उठाया गंद है बाहर से उठाया और तू बस बचता फिर रहा किसी तरह मैं बच जाऊंगी ये ये भी तो बनवाओ ये वाला काम क्यों नहीं कर रहे खाना नहीं है कलेजी को धो के साफ करके अच्छी तरह से ये रखती है बस अभी इसको बनाते हैं इसके अंदर सिरका और लीमू नहीं इसके अंदर सिरका नमक और ठंडा पानी डाल के रख दिया था अच्छी तरह इसका जो ब्लड है ना वो निकल गया बस अभी हम इसको बनाते हैं इसको एक दो दफ़ा और वॉश करती हूँ फिर बनाते हैं चलें जी हाँ जी कैसा फील हो रहा कसाई बन के इसका मुंह देखो इन पापा कबाब बना के चले गए हाँ बकरे के कबाब रख दिए हैं अब ये काऊ के भी जाएंगे इनको भी बनाते हैं जनाब यहाँ पे जो है ना बकरे की कलेजी रख दी है इस प्रेशर में और यहाँ पे जो है ना अब दूसरा जो है गाय की हमारी जो काऊ थी उसकी ये जो कलेजी है ना ये देखें कलेजी और इसके अंदर थोड़ा सा जो गोश्त है वो भी मिक्स किया है इसके अंदर जो है अभी फिलहाल सिरका नमक और इसके अंदर ठंडा पानी डाल के रख दिया ताकि ये जो ब्लड है ना ये देखें अच्छे से जो है ना ये साफ हो जाएगा इसके अलावा लहसुन अदरक का जो पेस्ट है आ रही हूँ आई 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 लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना
वो आपने डाल देना। ये लहसुन अदरक का इसके अंदर पेस्ट बनाया था, तो ये देखें इसमें से थोड़ा सा जो है ना लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो आपने डाल के मिक्स करके रख देना थोड़ी देर के लिए। फिर उसके बाद जो है ना वो इसको वॉश कर लेंगे तो ब्लड जो है वो भी बहुत अच्छे से साफ हो जाएगा। बाकी फिर बाद में देख। ओके जनाब, यहाँ पे जो कलेजी है बकरे की जो कलेजी थी वो रख दी है। इसके अंदर डाला क्या था, इसके अंदर ये वाले मसाले मैं दिखा देती हूँ, ये दूसरे के लिए बना के अभी रखे हुए। इसमें दालचीनी, तेज़पात, थोड़ी सी ये दो चार इलायची, लौंग डाल दें दो तीन बस, ये इस तरह ये सिर्फ डाली हैं। और इसके अलावा इसके अंदर टमाटर डाले थे, मिर्चें डाली थी तीन, और दूसरी जो चीज़ इसके अंदर ऐड की थी वो हमने है प्याज। ये सारी चीज़ें डाल के हमने इसको प्रेशर लगा दिया था, और उसके बाद लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो डाला। उसके बाद इसका पानी जो है वो थोड़ा सा जैसे ही ड्राई हुआ, इसके अंदर अभी दही डाला मैंने। दही डालने के बाद पानी जब खुश्क होगा तो उसके बाद हम इसके अंदर ऑयल डालेंगे, कुटा वाला जो धनिया है वो डालेंगे, जीरा डालेंगे, नमक मिर्च अपनी टेस्ट के मुताबिक डालेंगे, और हमारी कलेजी जो है वो बनके तैयार हो जाएगी। अभी सेम काम जो इधर चल रहा है, अभी इसके अंदर पता क्या किया, इसको वॉश करके वो मैंने सिरका और नमक इसके अंदर और क्या लगाया था इसमें, हाँ लहसुन अदरक का पेस्ट, वो डाल के इसको अच्छे से थोड़ी देर के लिए मैरिनेट करके रख दिया था। फिर इसको वॉश किया, अब यहाँ पे रख दिया है थोड़ा सा, एक दो इसको बॉयल आएगा ना, फिर इसका जो पानी है ना वो अलग से कर लेंगे, ताकि मज़ीद जो ये ब्लड वगैरह का थोड़ा सा एक दिमाग में होता है ना वो क्लियर हो जाए। उसके बाद फिर सेम ऐसे ही इसको बनाएंगे नान के साथ, गर्मा गर्म खमीदी रोटी के साथ फिर इसको खाएंगे। अभी बनाते हैं, खाने का काम जो है वो फिर बाद में दिखाती हूँ। चलें भाई, गोश्त रेडी हो गया है, इधर भी इसके पार्टीशंस हो गई हैं, कलेजी भी बन गई है उस साइड पे, और इस साइड पे चलते हैं तो यहाँ पे भी हो गया है, यहाँ पे हिस्से करके रख दिए हैं साथ, तो अभी जो है बस इनको जो है तकसीम करेंगे। कलेजी जो है वो भी बन गई है, कुछ घर खाएँगे, कुछ जो है वो भी जो बनी हुई है ना वो फिर गली में देंगे नेबर्स में। शो अब इनको पैक करते हैं, इनकी पैकिंग का टाइम आ गया। मम्मा चलो भाई चलो, यहाँ पे इसे तकसीम हो गए हैं, और ये बाहर लड़ाई हो रही है, एक एक बच्चा कोई दस दस दफा चार चार पांच दफा ये दे, ओए फिर आ गया, अल्लाह दफा मानी माफ कर दो, चली जाओ। अरे मेरी बात सुनो, कितनी दफा लेके जाओगी है? ये लड़की जो है ना ये चार दफा आके ले गई है, देखो वो उनकी टीम है पूरी, ये बच्चे चले जी सारे कामों से फारिग हो गए हैं, अब घर की क्लीनिंग जो है ना वो चल रही है, हेल्पर जो है वो आ गई है, वो सफाई करती हैं, और खाना जो है वो भी रेडी है। अभी दिखाती हूँ, ये हमारा दस्तरखान चल गया, एक मिनट चम्मच चले जनाब, अब बच्चे को भी तैयारी करने का टाइम आ गया, बच्चों को रेडी करते हैं, खुद भी होते हैं, थोड़ी ईद वाली जो फील है ना वो लेके आते हैं बच्चों को। मैं वॉशरूम जा रही हूँ नहलाने के लिए, और उसके बाद कपड़े चेंज करती हूँ। चले भाई, हम मेरे शहजादे हो गए हैं रेडी। अलमीर आप तो बहुत प्यारे लग रहे हो, पता है आपको, और हंजला आप भी बहुत प्यारे लग रहे हो। हम हो गए रेडी, अब मम्मा भी नहीं नहीं कर ले बस। चलो जी, अब नई जगह छेड़ गए। ईद मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। आपके तो पुमा की है, आप तो मिलो बाबा से, ईद मुबारक तो कर लो। ईद मुबारक बस दी, ये गलती हो गई, ये पता ही नहीं था ये लाइट वाले, भारी मिस्टेक। चलो जी, ईद मुबारक हो गई, ईद मुबारक। चलो जी, पैकअप हो गए, ईद खत्म हो गई, अब घर चलते हैं। अलमीर चलो अब घर चले, अब क्या कर रहे हो ये, चलो घर चले। चले हम तो जा रहे हैं, फिर घर जाते हैं ना, फिर सुबह नानो और सब हमारे घर आएंगे। चलें जी, ईद खत्म हो गई है,
हम घर वापस आ गए और ये चेक करें। अब यहाँ पे पाए सीधी ये सब चीज़ें तैयार हो रही हैं, जगह जगह इस तरह से ना लोग बैठे हुए हैं। और हम अभी यहाँ पे मार्केट आए हैं थोड़ा सा सामान लेने के लिए, तो बस वो लेते हैं और फिर घर चलते हैं और ब्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।